बेसिकली हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इस नंबर्स को मुझे इस तरह के पैटर्न पे शो करना है, समझे? मुझे इस तरह के पैटर्न पे शो करने हैं और इस तरह के कलर, कलर भी इस तरह का होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप जो अभी हमने जो इंसर्ट या शैप किया, यहाँ शैप मैंने इसको लिया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं तो मेरा डेटा, पीछे का डेटा विजुअल नहीं होता है, ठीक है? तो शैप की फॉर्मेटिंग में आप इसकी जो फिल कलर है अगर उसको नो फिल कर देते हैं, डैश होता है। अब हो रहा है, शो भी हो रहा है और हम यहां पे कुछ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है सर? वो 85 को भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुई कि फिर बैकग्राउंड कलर मैच नहीं कर रही है ना सर? क्या राइट, बैकग्राउंड तो मैच नहीं कर रही है, बैकग्राउंड भी तो चाहिए। जैसे इसके अंदर किसी तरह का कलर अगर डालेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए कि इसमें कोई कलर डाला, यहाँ इसको क्लिक करके, तो कलर डालते ही क्या होगा, फिर आपका पीछे का डेटा नहीं दिखेगा। तो मैं मान लीजिए मुझे इसको रेड, इस पे दिखाना है, ब्लू पे दिखाना है, मान लीजिए ब्लू दिखाना है, राइट? तो हम दो चीजें करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा ये डेटा है ना, इसकी बैकग्राउंड कलर को ब्लू करेंगे, ठीक है? यहाँ उसके बाद हम सैप को सिलेक्ट करते हैं और सैप फॉर्मेट में जाएंगे और यहां पे हम क्या करेंगे कि इसकी जो बॉर्डर या इसकी बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं, हम सैप आउटलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है? सैप आउटलाइन कलर जो है हमारा सेम कलर रखना है और इसमें एक और हम काम करना है कि इसकी जो विड्थ है, मतलब इसकी जो मोटाई है उसको बढ़ाना है, ठीक है? तो मोर लाइंस पे क्लिक करते हैं और यहां जो इसकी विड्थ है इसको मैं बढ़ाता हूं, इतना बढ़ाना है जो कॉर्नर है ना सर, वो कॉर्नर छुप जाना चाहिए, ये सब डिजाइन का कमाल होता है सर। थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। अब बेटर है, क्वांटिटी का क्यू थोड़ा चिप रहा है। हाँ, तो उसको यहाँ पे क्वांटिटी कुछ चुप रहा है तो इसको लेके हम इसको मिरर कर देते हैं, क्या दिक्कत है? हो गया, ठीक है, कभी थोड़ा वो हो रहा, इसको भी मिरर कर देते हैं, हो गया सर? अब जैसे इसके हम कुछ भी टाइप करें, यहां भी टाइप कर सकते हैं। अब कोई समझेगा भाई इस तरह का कलर, कलर कैसे हो गया सिल्क का कलर, अब सोचता हुआ जाएगा ये चीजें हुई कैसे है। तो बेसिकली कल ये चीजें मैं नहीं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं कि कल मैंने एक फॉर्मेट में डिजाइन कर रहा था, मैं दिखाता हूं आपको। मैं कल जो है एक फॉर्मेट डिजाइन कर रहा था, ओपन करता हूं, ये रहा वर्क प्लान, ये देखिए दिख रहा है सर, ये ऊपर दिख रहा है सर, यहां पे ही कैसे कॉर्नर में चाप किया, चाप करना दिख रहा है, और यहां पे टाइप भी कर पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एज सिस्टम है, देखिए एज दिख रहा है सर आपको, दिखा सर? हाँ, इस तरह की चीजें करते हैं। तो जो डैशबोर्ड या भी जो डिजाइन हम तैयार करते हैं, डिजाइन में सेम इसी तरह का यूज होता है, राइट?